माधव सरकार पर गहराए संकट के बादल। शिवसेना के चार और एमएलए पहुंचे गुवाहाटी। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी विधायकों की बैठक। उज्जैन से सीएम शिवराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा जन उज्जैन वाले कल्पना करके देखें 2023 से पहले या बाद में उज्जैन का हुआ विकास। छिंदवाड़ा में बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। बीजेपी के बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में, एक महापौर और 38 वार्ड पार्षदों के लिए भरा निर्दलीय नामांकन। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर पलटी डीसीएम, 10 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। और मंदसौर में 30 मगरमच्छ के बच्चों को मिला नया जीवन। किसान दिनेश पाटीदार ने मगरमच्छों का किया पालन पोषण। कलेक्टर गौतम सिंह ने किसान का जताया आभार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और अब खबरें विस्तार से। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इस बीच शिवसेना ने चार और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इससे पहले बुधवार शाम को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया और देर रात सरकारी आवास छोड़कर मतोश्री पहुंच गए। मुंबई से खबर है, जहां पर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट छाया हुआ है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी तक नरम नहीं हो पाए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदलने के लिए तैयार हैं, ऐसी चुनौती उन्होंने दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेंद्र कानून गो जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, उद्धव सरकार के बीच देखा जाए तो उद्धव सरकार है जो उसमें संकट के बादल गहरा रहे हैं, उन्होंने सब सामान बांध कर वो अपने घर वापस लौट गए हैं। जब ये सरकार बनी क्लियर मैंडेट इनको था, ज्यादा सीटें 105 उस समय मिली थी, वो बीजेपी को मिली थी। बीजेपी का जो गठबंधन था उस गठबंधन में दरार पड़ी और फर्नांडिस जी जो पद की शपथ ना दिला पाए इसलिए ये जो है दरार पड़ी थी। और उसमें फिर शरद पवार बीच में आए और काफी रस्साकशी उस समय हुई और शिवसेना ये शरद पवार जी का दल और कांग्रेस एनसीपी ये सब मिल करके इन्होंने फिर सरकार बनाई। सरकार तो चली लेकिन पहले दिन से ही ये अंदेशा हो गया था कि ये सरकार कितने दिन टिकेगी ये कह नहीं सकते। और अभी भी जो कुछ हुआ है वो शिवसेना के अंदर ही हुआ है। शिवसेना के शिंदे ने कहा है कि आप बीजेपी का समर्थन लेकर के सरकार बनाइए और ये चीज ठाकरे को पसंद नहीं आई, उन्होंने उस चीज से इनकार कर दिया। और अभी जो घटनाक्रम घटित हुआ है जो लेटेस्ट है वो ये है कि शिंदे अपने साथ 38 विधायकों को लेकर के गुवाहाटी में बैठे हैं और अपने उद्धव ठाकरे पूरा सामान अपना वर्षा जो मुख्यमंत्री निवास है वहां का वहां से लेकर के मातोश्री चले गए हैं, रात तक की ये खबर है। तो इस प्रकार के अभी वर्तमान में क्या होगा अब ये कहना कठिन है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार पर भारी संकट है। हो सकता है शिंदे मुख्यमंत्री बने और बीजेपी का समर्थन लेकर के, या ये हो सकता है कि शिंदे बीजेपी को समर्थन दे और देवेंद्र फर्नांडिस मुख्यमंत्री बने। अब दोनों तरह के विकल्प खुले हैं, हालांकि एक विकल्प और है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए लेकिन उसकी संभावना बिल्कुल कम है। तो ये स्थिति अभी महाराष्ट्र की चल रही है,
सब उस पर नजर रखे हुए हैं। अब आगे की स्थिति क्या बनेगी ये अभी कुछ कहने के स्थिति में नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये महाराष्ट्र से खबर थी जहां पर उद्धव सरकार की जो है उस पर संकट मंडराया हुआ है, संकट के बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें कि शिवसेना में ही कलह मची हुई है और जो एकनाथ शिंदे हैं सभी उनके विपक्ष उनके पक्ष में आ गए हैं, जिसके चलते उद्धव सरकार का जाना तय माना जा रहा है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उद्धव सरकार रहेगी या फिर जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि जरा उज्जैन वाले कल्पना करके देखें, एक तरफ 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक उज्जैन का विकास कैसा था, अपना उज्जैन कस्बा जैसा लगता था जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन पिछले 15 साल में उज्जैन का स्वरूप बदल गया है। सीएम ने कहा कि अगर काम निभाएंगे गिनाएंगे तो रात हो जाएगी। 2016 में अपना जो सिंहस्थ हुआ वह अद्भुत सिंहस्थ था। जरा उज्जैन वाले कल्पना करके देखे, एक तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक तब उज्जैन का विकास कैसा था, अपना उज्जैन कस्बा जैसा लगता था, भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की कस्बा जैसा लगता था, लेकिन पिछले 15 साल में उज्जैन का स्वरूप बदल गया है। बताओ बदला कि नहीं बदला? अरे जोर से बोलो, बदला कि नहीं बदला? अगर काम गिनाएंगे तो आधी रात हो जाएगी। 2016 में अपना जो सिंहस्थ हुआ वो अद्भुत सिंहस्थ था और आप देख रहे हो उज्जैन के चारों तरफ सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, मंदिरों का जीर्णोद्धार, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? 4,000 करोड़ रुपया उस समय उज्जैन के विकास पर खर्चा किए कर दिए गए थे। मैं उन सब का विवरण आज नहीं दे रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि 450 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, नई सड़कें, इनर रिंग रोड, मार्गों का। छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव के नामांकन फार्म उठाने की आखिरी तिथि होने के चलते दिनभर कलेक्ट्रेट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा, जहां से बीजेपी से बगावत करने वाले प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। बताया जा रहा है कि एक महापौर और 38 वार्ड पार्षदों के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किए गए हैं। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को इस दिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। क्या कारण है जो आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया? हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो पार्टी में जैसा है कि हम लोग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हमारे को ये बताया गया है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है वह देवतुल्य कार्यकर्ता है और देवतुल्य कार्यकर्ता के मनोबल से और उनके परिश्रम से और उनके श्रम से आज भाजपा अपने चरम पे पहुंची है, चरमोत्कर्ष पे पहुंची है। के माध्यम से एक बात बता दूं कि जो पेपरों में जो चल रहा था कि हम भूमिगत हो गए, हम कोई हत्या या कोई डकैती इस टाइप का कोई हमने कुकर्म नहीं किया है जिससे हम भागे। हम भाई हमारे घर में हैं हम, और अगर हमारे हम जो काम करने जा रहे हैं, हम हिंदू धर्म के हिसाब से अपने जो इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना करना हम जानते हैं। तो भाई हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, या कोई जो पेपर के माध्यम से मुझे पता चला, विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है, करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग लखीमपुर के गोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंदसौर के भानपुरा तहसील के सादनपुर के किसान दिनेश पाटीदार ने बताया कि मेरे खेत पर बनी पानी की डबरी में मगरमच्छ के 30 से 35 मगरमच्छ के बच्चे थे।
छह मगरमच्छ के बच्चों को रेस्क्यू कर मैं घर लेकर आया। मेरे भतीजे शुभम पाटीदार ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर कलेक्टर महोदय को ट्वीट किया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम सादलपुर पहुंची। किसान दिनेश पाटीदार ने मगरमच्छ के 30 बच्चों को जीवन दान दिया है। मगरमच्छ के बच्चों को चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ा गया है। शुभम पाटीदार के ट्वीट के माध्यम से कलेक्टर गौतम सिंह को जानकारी दी गई थी, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि ऐसे किसानों से सभी नागरिकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा करते हुए बहुत बड़ा काम किया है। हमने थोड़ा सा प्रयास किया, उसमें आज हमारे गांव से 30 मगरमच्छ के बच्चे बचे हैं। कल जैसे ही मुझे ये सूचना मिली कि हमारे गांव की डबरी में 30 मगरमच्छ के बच्चे हैं, तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया और उसे माननीय कलेक्टर महोदय को ट्वीट किया। साथ ही उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दी। इस पर माननीय कलेक्टर महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए DFO महोदय को सूचित किया और सुबह ही 9 बजे हमारे गांव में वन विभाग की टीम को भेजा। खबर ये थी कि आज सवेरे सुबह हमारे DFO महोदय से कॉल आया कि ग्राम खांजलपुरा में किसी कृषक के खेत में मगरमच्छ के बच्चे एक तालाब में छोटी बनी हुई डबरी है उसमें मगरमच्छ के बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू करने का मुझे आदेश मिला। तो भानपुरा की हमारी टीम में हमारे साथी पाटीदार जी, देवड़ा जी, पंकज पाटीदार एवं अन्य सदस्य हम लोग जो वहाँ पहुँचे, तो देखा पाया गया कि लगभग 25-30 बच्चे मगरमच्छ के तालाब में बनी हुई डबरी में वो थे वहाँ पर। तो उनको बड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा हम लोगों ने उनको सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसके बाद उनको सुरक्षित तरीके से संभल के बैक वाटर में रिलीज किया। मैं दिनेश पाटीदार, गांव साजलपुर से। मेरे खेत पे एक डबरी बनी हुई है, उसमें मगरमच्छ ने बच्चे दिए थे। शाम को हम खेत पे दोनों भाई गए थे तो मगरमच्छ को देखा, बच्चों को देखा हमने, तो 30-40 बच्चे थे वहाँ पे। तो हमने 5-6 बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया और घर लेके आए। तो हमारे भतीजे शुभम पाटीदार ने उनका वीडियो कलेक्टर महोदय को ट्वीट किया और कलेक्टर महोदय ने तुरंत एक्शन लिया। और सुबह ही वन विभाग के कर्मचारी हमारे घर पर आए और बाकी के जितने भी बच्चे थे 30 मगरमच्छ के बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू करके चंबल नदी में छोड़ दिया। बिलासपुर के तखतपुर में जंगल से भटककर गांव में एक जंगली भैंसा घूमते देखा गया है। बताया जा रहा है कि बायसन की दहाड़ से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों की वन भैंसा से सावधान रहने की हिदायत दी गई है। वन विभाग को मामले की सूचना दी गई है। महाराष्ट्र में मचे घमासान और सरकार उलट पलट के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने एक बयान पर कहा कि उन्हें ठाकरे परिवार पर पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार और भाजपा ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करते हुए सरकार को गिराने का कार्य किया था, वह कार्य अब महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना पार्टी और ठाकरे परिवार पूरे तरीके से वहां की परिस्थितियों पर जल्द ही काबू पा लेगा, वहां सरकार गिरने की स्थिति नहीं बन पाएगी। देखिए, वो संकट हमारा नहीं है, वो शिवसेना का है। इसमें हम लोग शिवसेना की ये इंटरनल इश्यूज हैं और मैं तो कहूँगा दुखद है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कल को मिनिस्ट्री डिस्टेबलाइज हो जाए। मगर क्योंकि अब केंद्र की राजनीति तो यही है कि स्प्लिट करो पार्टीज को, वो अपनी राजनीति में कुछ हद तक सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं, बट ये दुखद है, बहुत दुखद है। वही हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुआ वो महाराष्ट्र में हो रहा है। मगर मेरे को ठाकरे परिवार पे विश्वास है, क्योंकि वो स्ट्रांग लोग हैं और वो किसी ना किसी तरह अपने लोगों को वापस बुलाएंगे और हमको लगता है कि जो महागठबंधन है वो चलेगा। बड़े अधिकारी किस तरह सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं, इसकी बानगी मरवाही के कुसमा टोला गांव में बखूबी देखने को मिलती है, जहां पर गरीब आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक इन मकानों का काम पूरा नहीं हुआ है। अब अधूरे पड़े इन आवासों में यह लोग रहने को मजबूर हैं। आखिर कब तक इनकी परेशानियां दूर हो पाएंगी, देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला जनपद पंचायत मरवाही के गांव गुम्मा टोला का है, जहां 4 साल पहले निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास आज तक
पूर्ण नहीं हो सके। ग्राम पंचायत में करीब 15 से 20 आवास ऐसे हैं जहां ग्रामीणों ने मजबूर होकर रहना शुरू कर दिया है। हितग्राहियों का कहना है कि विगत 4 वर्षों से आवास अधूरे हैं। ठेकेदार से कई बार इसे पूर्ण करने के लिए कहा गया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास की संपूर्ण राशि भी निकाली जा चुकी है। राम भाई, ये आपका आवास जो है कितने दिन पहले शुरू हुआ था बनना? कितने साल हो गया? ओ तो इसे दो तीन साल यह दिया था फर्स्ट नंबर के बने हैं। हाँ, तो मतलब 3 साल करीब हो गया है। ये पूरा क्यों नहीं हुआ? अब पता नहीं कौन बनवा रहा था इसको। पप्पल बनवा इसे। कहाँ का है पप्पल? कहाँ रहता है? लालपुर रहते। लालपुर में और भी मकान को बनवाया था क्या वो? अरे ऐसा ग्लूए टोला भर के ला बनवाया। टोला भर के मकानों को बनवाया और ऐसे ही बनवाया आधा अधूरा। अब पैसा निकाल लिया पूरा? अब पता नहीं पूरा निकाली से कब अच्छी से नहीं। उसके पास जाके बोले नहीं कि मकान हमारा पूरा करो? बोले थे कि नहीं आप? बोला थे तो कहते छपवाए देहूं कहते अब लास्ट इतने ना बची से कहते लास्ट। इधर प्रधानमंत्री आवास संयोजक अनीश मसीह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास हितग्राही मूलक होता है। राशि 4 किस्तों में हितग्राही के खाते में आती है और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हितग्राही को स्वयं कराना होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह भोले भाले आदिवासी यह कार्य करवाने में असफल होते हैं, इसलिए ठेकेदारी के माध्यम से यह कार्य करवाते हैं। ठेकेदारी के माध्यम से कार्य होने के बाद भी प्रधानमंत्री संयोजक की भूमिका होनी चाहिए कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास में जो राशि है वो हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है DBT के माध्यम से, और आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो आपकी शिकायत है उस पर हम लोगों ने टीम बना दी है और जल्द ही जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें शासन ने जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें कई प्रकार की जो स्टेजेस हैं, जैसे पहला किस्त जब आता है तो उसके बाद हितग्राही मुखलिस किस्त बनाना होता है। कई जगह ऐसा होता है कि हितग्राही सक्षम नहीं होते तो वो किसी की मदद से कराते हैं, और ऐसी अगर शिकायत है तो हम वहाँ पर निश्चित ही जाँच करा के उनके आवास को पूर्ण कराने की कार्रवाई। सर इतना बड़ा अमला है, शिकायत पहले क्यों नहीं करती है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि घुमा टोला जो पंचायत है वहाँ पे पहले भी हमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर हम लोगों ने काम किया है, और अभी लगभग 70-80% हम लोगों ने वहाँ पे प्रगति की है, और जो भी शेष रह चुके थे क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की जो राशि है वो किस्तवार राशि है, तो कई जगह ऐसा होता है कि राशि अंतिम किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण से भी आवास अधूरे हो सकता है, वो ऐसे आवास हों जिसके कारण से वो कार्य अधूरा हो। ऐसे में यह अधिकारी बीच में ही अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चले जाते हैं और फिर हितग्राही परेशान होता रहता है। ऐसे में सरकार उसे जो मदद दे रही है उससे वह वंचित रह जाता है। मरवाही से संवाददाता तनवीर आलम की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाहगंज के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा, यह प्रदेश की पहली ऐसी नगर पंचायत है जहां 15 से 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि पहली समरस नगर पंचायत होगी। इसके बाद सीएम ने कहा कि शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है, ऐसा सामंजस्य समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन यह चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं शाहगंज के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की पहली नगर पंचायत है ये, जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मतलब नगर पंचायत का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया है। ये पहली समरस नगर पंचायत होगी। साहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है, ऐसा सामंजस्य
समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन ये चमत्कार साहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी को, साहगंज के प्रत्येक नागरिकों को, जिन्होंने मिलकर बैठकर ऐसे वातावरण में जब चुनाव के लिए घनघोर प्रतिस्पर्धा होती है समरसता का संदेश दिया है। समरस नगर पंचायत साहगंज में विकास के काम और जनता का कल्याण भी आदर्श तरीके से किया जाएगा। जो आदर्श साहगंज ने उपस्थित किया है समन्वय का, समरसता का, उसी ढंग से हम विकास और जन कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदर्श नगर पंचायत का आदर्श विकास किया जाएगा। एक बार फिर साहगंज की जनता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वार्ड क्रमांक 56 और 74 से कांग्रेस पार्टी के टिकट कटने पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी की और कुछ वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। दोनों ही वार्ड के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए और महापौर प्रत्याशी विभव पटेल को चुनाव में वाल्मीकि समाज का समर्थन नहीं मिलेगा चेतावनी भी दे डाली। पार्टी द्वारा यह कहा गया कि सबकी घर वापसी कर ली जाएगी, सबको मना लिया जाएगा। मैंने पीसी शर्मा जी के खिलाफ नारे नहीं लगाए, मैंने लगाए वार्ड 74 के वापस दो और कांग्रेस के जो दलाल हैं उनके खिलाफ मैंने नारे लगाए। मैं धरना दूंगा यहाँ पर जब तक मेरा टिकट वापस नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो मैं 3 बजे तक बैठा रहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जमीन स्तर पे हूँ, बूथ लेवल से मैंने राजनीति स्टार्ट की थी और वार्ड अध्यक्ष था वार्ड 74 से। ना मैं मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई कि आप आपका किस प्रकार से नाम काट लगाया, ना मैं किसी प्रकार का गुंडा बदमाश हूँ, ना मेरी कोई किसी प्रकार की छवि खराब है। अभी किसको टिकट दिया है उसके बारे में? अभी यहाँ पर पूर्व में राजेश्याम लोधी उनकी पत्नी सिंगारबाई लोधी को दिया है और पूर्व में चुनाव भी 2 बार जीते। निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कई नेताओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता बगावती तेवर देखने को नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं उनके तेवर और सभी नेता इन तेवरों के साथ मैदान में डटे हुए हैं। भोपाल से भाजपा नेता हरीश बिनवानी का दर्द भी बीजेपी से टिकट न मिलने पर बाहर आ गया है। उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर वार्ड 4 से निर्दलीय पर्चा भरा है। इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा, मैं 22 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मेरे समर्थकों का भी कहना है कि चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल कार्रवाई करें, मैं 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हाँ। युवा मोर्चा में मंत्री रहा हूँ 3 साल, 9 बार भाजपा मंडल में, 3 बार भाजपा मंडल में 9 साल मंत्री रहा हूँ, 1 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, 4 का पालक हूँ, रहवासी हूँ और युवाओं की मांग है, जनता की मांग है, उसके बाद भी भाजपा ने गलत टिकट दिया है। मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ता जनता मुझे जिताएगी। हो सकता है लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का काम करो और टिकट आपको आरएसएस देगी, भाजपा का काम करेगी, हम आरएसएस का काम करें। फिर भाजपा में नगरीय निकाय के टिकट वितरण के साथ ही विरोध और बगावत शुरू हो गई है। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ता पैसों का लेन देन कर टिकट वितरण का आरोप लगा रहे हैं। तो इधर भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को नोटिस भेज दिया है, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने खुद ही पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी का कहना है कि टिकट वितरण का निर्णय कोर कमेटी का सामूहिक निर्णय था, लेकिन कार्यकर्ता मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को खुद की गलती सुधारने का मौका दिया गया, लेकिन अब अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं पर रीति नीति के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्विटर के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही थी कुछ लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल क्रिएट करने का, पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 104 लगभग टिकट मारे हैं, मात्र 1-2 टिकटों पर छोड़ के शेष जगह किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं, उन 5 लोगों के खिलाफ आज हमने नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर उनको अपना जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया है। अगर उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट होती है तो
कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं होती तो उनको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।